जुनून और डर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब इंसान में जुनून पैदा हो जाता है तो वो कोई भी काम को आसानी के साथ करके बताता है, दुनिया के अंदर कामयाबी, सक्सेस और सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिस इंसान में डर होता है, उसके पास कोई भी चीज़ हो, कितने ही रिसोर्सेज, कितनी ही नॉलेज, कितनी ही मैन पावर क्यों ना हो, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। डर इंसान को वहीं रोक देता है और उसे पीछे ले जाता है। अगर आप में डर है, अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं, तो ये मत सोचें कि डर वहीं रुक जाएगा, बल्कि डर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। आप कभी भी डर की वजह से बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, कभी भी उस मुकाम पर, उस जगह नहीं पहुंच सकते जहां पर आप पहुंच सकते हैं। एक शेर अगर जंगल में है तो वो जंगल का राजा कहलाता है। जानवर तो जानवर, इंसान भी उससे डरते हैं, लेकिन अगर वही शेर पिंजरे में रख दिया जाए तो लोग उसे देखने आते हैं और उसे देखकर हंसते हैं। ठीक इसी तरह से आपके अंदर भी शेर से भी ज़्यादा अधिक बल, पावर, शक्ति और पोटेंशियल है, लेकिन ये डर पिंजरे का काम करता है, आपको एक जगह पर रोक देता है। आप कितना ही कोशिश क्यों ना कर लें, कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए आज ही अपने डर को बाहर निकाल दीजिए और कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ें। डर इंसान को बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी सिचुएशंस का और बहुत से तरीकों से हो सकता है। जब इंसान डरता है तो उसकी चेहरे की रौनक उड़ जाती है, उसकी जबान के अंदर, उसकी बोली के अंदर हकलाहट पैदा हो जाती है, उसका जिस्म हिलने लगता है और वो वहीं थम जाता है, उसका दिमाग पैरालाइज्ड हो जाता है, उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, वो ना कुछ सोच पाता है ना ही कुछ समझ पाता है। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का डर है, तो इसके दो सॉल्यूशन है। नंबर वन और एक इजी सॉल्यूशन ये है कि जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, उस चीज़ के पॉजिटिव रिएक्शन के बारे में बार बार सोचने लगे। इस तरह से बार बार पॉजिटिव सोचने से अंदर के जो नेगेटिव डर है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई जानवर से डर लगता है, तब भी आपको उसके बारे में जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना वो डर ख़त्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। नंबर दो तरीका थोड़ा टफ है, लेकिन इससे डर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। वो तरीका ये है कि उस डर का सामना करें। अगर आपको किसी जानवर से, किसी सिचुएशन से, अंधेरे से या किसी भी चीज़ से डर लगता है, बार बार लगातार उसका सामना करें। कॉलेज के टाइम पे मुझे स्टेज का फियर था, स्टेज पे आते ही मेरा जिस्म हिलने लगता था, अल्फाज में भूल जाता था, ना ही मेरे ज़बान से कुछ निकलता था, ना ही कुछ सोच में आता था। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मैंने एक ही चीज़ सोची कि अगर मुझे प्रोफेशनल टीचर बनना है और अगर मुझे सही में सक्सेसफुल टीचर बनना है तो मुझे अपने इस डर को ख़त्म करना होगा। इसके लिए मैंने बार बार जब भी कोई प्रोग्राम होता मैं स्टेज पर आने की कोशिश करता और यही कोशिश की वजह से और बार बार यही सोचने की वजह से कि मैं अपने डर पर काबू पा लूँगा, आज मैं कहीं पर भी स्टेज पे जाता हूँ मुझे डर नहीं लगता। डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया और जिसने अपने जुनून के साथ और अपनी हौसला मंदी के साथ काम लिया वो आगे बढ़ गया। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।